सुहानी बेब, आर यू ओके? आई एम सो सॉरी, मैं एक पार्टी में चली गई थी इसलिए आ नहीं पाई। रणवीर कहाँ है? मैं जिम्मेदारी, तुम ऐसी डर रही थी? डांस इंट्रो ही तो मांगा था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए थोड़ी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू आर टैलेंटेड सबको पता चलना चाहिए। रिया, कॉलेज में अनाउंसमेंट करते, एक डांस परफॉर्मेंस होने वाली है, जो कोई भी देखने में इंटरेस्टेड है आ जाए। के टुकड़े नहीं है ममता जी, मेरे इज्जत के बिखरे हुए टुकड़े हैं जो तुम्हारा लाडला भरी पार्टी में मुझे गिफ्ट में देकर गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सरप्राइज, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है तुमने अपने बेटे को। असली रंग दिखा दिया तुमने अपना। मजबूरी में साथ हो तो नफरत का जरिया अपने बेटे को बना रखा है तुमने। आप गलत समझ रहे हैं जी, दरअसल वो आपको समझ ही नहीं। इसलिए अपनी माँ के इशारे पे भरी पार्टी में इंसल्ट करके चला गया मेरी। Do you know how it feels? So मौत में मर गया भाई। क्या गलती थी मेरी? उसके खुशी के लिए कर रहा था ना, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा था, अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा था मैं। एक बात याद रखना, अगर कोई बेटा अपने बाप से नफरत करता है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ उसकी मां होती है ममता जी। भाई साहब, नफरत का कारण भाभी कैसे हो सकती है? आप तो रणबीर को अच्छे से जानते हैं ना, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी बात होती है वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। और अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहता तो छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। रोशनी, भाई साहब से ऐसी बात करोगे तो प्लीज, तो बार बार कंट्रोल करो।
वो तुमसे कितनी बार कहा है इस घर को हम संभालेंगे और बिजनेस सिर्फ रणवीर। मतलब बिजनेस का झूठा प्रॉमिस करके आपने मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, अब अपनी बेटी के साथ भी हिस्ट्री रिपीट करोगे। और हाँ, अगर आपको औरतों की सक्सेस से इतनी ही प्रॉब्लम है तो किसी गवार को अपने घर ले आना चाहिए था। क्यों पढ़ा अपनी बेटी को एक कमरे में बंद करके रखते ना आप? रोशनी, तुम हद पार कर रही हो। शट अप विक्रम। एक बार फिर मेरी बहू पर ऊंची आवाज उठाई, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हां, तुम रणवीर पर अपना रोब नहीं चला तो अपना गुस्सा ममता पर निकालोगे? ममता और रोशनी मेरी बहुएं नहीं है, बेटियां हैं, बेटियां। और आज तक मैंने तुम्हारी मां से ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो फिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं से इस तरह से बात करने की? लक्ष्मी कहता हूं मैं अपनी बहुओं को, एक बात याद रखना, तुम अगर तुम लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर सकते अपने घर में, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। ममता, रोशनी, चलो यहां से। भाभी चलिए। रणवीर कर क्या रहा है? सो गाइस, अब शुरू होने जा रही है एक माइंड ब्लोइंग डांस परफॉर्मेंस। रणवीर, लीव इट नाउ, क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो? बेचारी ऑलरेडी इतनी डरी हुई है। तू मेरी दोस्त है या एडवोकेट? बात बात पे आर्ग्यू करने लग जाती है। पर मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद रख अपना। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने कहा था जिन आंखों में डॉक्टर बनने का सपना हो उनमें डर और मोटे मोटे आंसू नहीं होने चाहिए।
बैठो। मैं ठीक हूँ। तुम बैठोगी नहीं तो परफॉर्मेंस कैसे शुरू होगी? आफ्टर ऑल तुम इस डांस परफॉर्मेंस की चीफ गेस्ट हो। क्या? हाँ। ये परफॉर्मेंस स्पेशली तुम्हारे लिए रखी हुई है। क्यों? तुम परफॉर्म करना चाहती हो? नहीं। बैठो। So guys, give a big round of applause to our chief guest. डांस परफॉर्मेंस शुरू की जाए। बहुत नचा लिया तुम लोगों ने फ्रेशर्स को। अब म्यूजिक बजेगा और तुम लोग नाचोगे, और अगर नहीं नाचे तो तुम्हारी टांगों की फ्यूम बोन तोड़कर उस पे मैं प्लास्टर चढ़ाऊंगा। वहां ऐसी सीक्रेट धुलाई नहीं होगी, वहां तुम्हारी बेइज्जती का कार्निवल निकलेगा। समझ में आया सबको? समझ में आया। बस बाकी की डांस परफॉर्मेंस फिर कभी। कान खोल के ये बात सुन लेना सब, आज के बाद इंट्रो के नाम पे किसी ने रैगिंग की या किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट की तो उसका हाल इनसे भी ज्यादा बुरा होगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रैगिंग के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, इसलिए ये लोग पनिशमेंट डिजर्व करते थे। जो मैंने इनके साथ किया वो लॉफुल और सही किया। नो रैगिंग, नो डिसरिस्पेक्टिंग। तुम क्या कह रही थी? कब? सुबह तुम्हारी बात पॉज करके गया था ना। हाँ वो थैंक यू। अभी के लिए या सुबह बोलने वाली थी? दोनों के लिए। मेरे एडमिशन के लिए इतना कुछ किया और मेरी इतनी हेल्प की, सो डबल थैंक यू। हेलो हेलो मिस जिम्मेदारी, तुम्हारी हेल्प करना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे पापा ने मुझे अपॉइंट किया है तो ऐसे थैंक यू बोल के अजनबी ना बनाओ। एक्चुअली माँ ने कहा था कहने के लिए और ये तुम्हारे लिए भेजा है। ये वही पेड़ हैं? बहुत टेस्टी हैं ये, पूरे रख लूं? हाँ पेड़ सारे रख लेना, बस डब्बा वापस कर देना। You're right. माँओं को अपनी औलादों से और इन डब्बों से एक स्पेशल टाइप का प्यार होता है। Anyways, एक और काम रह गया। आओ लिसन एवरीवन, इसे ध्यान से देख लो। सुहानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये मेरी जिम्मेदारी है, आज के बाद ना कोई इसे तंग करेगा, ना कोई रैगिंग और ना कोई डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि अगर इसे तकलीफ हुई तो मुझे तकलीफ होगी, और तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जब मुझे तकलीफ होती है तो क्या होता है, और मुझे तकलीफ हुई तो वो उस इंसान के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होगी। Is that clear?
भाभी सुनो ना, वो चीज कॉर्न पकौड़े का भी बैटर तैयार कर दो, और हाँ मेरी वाली स्पेशल टोमेटो चटनी भी। ओके। मेरी अदरक वाली चाय दालचीनी डाल के। ओके पापा। वाह मजा आ गया, ये सारे पकोड़े हमारे हैं, इनमें से एक पकोड़ा भी मैं उन नालायकों को नहीं दूंगा, मेरी बहुआ पे चिल्लाया है उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप, सबक तो मिलना चाहिए ना उन लोगों को। और भाभी आप भी ना, आप भाई साहब की बात चुपचाप सुन लेती हैं, इसलिए भाई साहब इतना बोल जाते हैं, अगर एक दो बार पलट के जवाब दे दोगी ना तो देखना बोलना बंद हो जाएंगे। रोशनी ये तो गाय है, तुझे सिखाते क्यों नहीं है जवाब देने के लिए? बाबूजी आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाभी इधर आओ, इधर आओ, अरे आप उधर बैठो, एक मिनट इसको स्लो कर देते हैं। भाभी मैं करके बताती हूँ आपको, बाबूजी ऐसा करो आप भाई साहब बनो और मैं भाभी बन के बताती हूँ, ठीक है? चलो। ओके। ममता कब अकल आएगी तुम्हारे लाडले को, जब देखो मेरी नाक कटवाने में तोड़ा रहता है। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो आपका भी खून है, और बच्चे वो ही करते हैं जो अपने बड़ों से सीखते हैं। आप सुधर जाइए, रणबीर भी सुधर जाएगा। बस यही तो डायलॉग बोलना है, एक बार बोल दो लंबे टाइम तक ना छुट्टी हो जाएगी। पता है विक्रम के साथ भी ना मैं रूम में यही करती हूँ। कुछ सीख इससे, जानती है कि लड़ाई में कहीं ना कहीं ये हार जाएगी, फिर भी लड़ना नहीं छोड़ती, कोशिश करके तो देख ममता। बिल्कुल, वरना जिंदगी भर बाप बेटे की भी सैंडविच बन जाएंगी आप, तमाशा रणबीर करेगा और सजा आपको मिलेगी। रोशनी कुछ भी बोलना लेकिन मेरे रणबीर को कभी गलत मत कहना। हाँ रोशनी, कितना सोचता है सबके बारे में, घर का सबसे लायक और हैंडसम चिराग है। तो भाई साहब को समझाइए ना, रणबीर नाम के चिराग को बार बार रगड़ रगड़ के उसके अंदर का जिन बाहर बार बार क्यों निकालते हैं। और भाभी आप भी, आप रणबीर को समझाइए ना, इतना गुस्सा इट्स नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। ये ड्रॉबैक तो है, मैं समझाऊंगी उसे। सपनों की हकीकत का पहला दिन कैसा रहा? बहुत धमाकेदार माँ, बहुत कुछ हुआ। अच्छा चल मुझे सब्जियाँ लेनी है, लेते लेते बता।